खबर उज्जैन से है। सीबीआरआई की टीम महाकालेश्वर पहुंची है। मंदिर के स्ट्रक्चर की जांच करने के लिए टीम पहुंची है। मंदिर में चल रहे निर्माण कार्य की जांच करने के लिए यहां टीम पहुंची है। मंदिर के पुराने स्ट्रक्चर की टीम जांच कर रही है। दो सदस्यों की टीम यहां पर पहुंची है। दीवार गिरने की घटना के बाद समिति ने जांच के लिए पत्र लिखा था, इसीलिए ये टीम यहां पर सीबीआरआई की टीम यहां पर पहुंची हुई है। इंद्रेश सूर्यवंशी इस वक्त हमारे साथ उज्जैन से लाइव जुड़े हुए हैं। इंद्रेश, किस बात की ये लोग जांच पड़ताल करने आए हैं, हुआ क्या था, कितने लोग आए हैं और अभी क्या इन्हें पता चला है जांच पड़ताल में? आवाज मिल रही है इंद्रेश आपको? अगर आपको मिल रही है तो यह बताइए कि सीबीआरआई की जो टीम यहां पर पहुंची है महाकाल मंदिर में, वो क्या जांच पड़ताल करने आई है, कितने लोग आए हुए हैं, ये डिटेल हमारे दर्शकों को आप बताइए। चलिए, इंद्रेश वहां पर स्पॉट पे तो हैं लेकिन उनसे किसी कारण हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आगे उनसे बातचीत की कोशिश जरूर करेंगे। सीबीआरआई की टीम महाकालेश्वर मंदिर पहुंची है। मंदिर के स्ट्रक्चर की जांच करने के लिए पहुंची है। मंदिर में चल रहे निर्माण कार्य की जांच करने के लिए टीम पहुंची है। मंदिर के पुराने स्ट्रक्चर की भी जांच करेगी। दो सदस्यों की टीम यहां पर पहुंची हुई है। असल में पिछले दिनों दीवार गिर गई थी और उसके बाद समिति ने पत्र लिखा था, तब यहाँ पर टीम पहुँची है। चलिए, इंद्रेश फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए, लाइव ना सही, फोन पर ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रेश, ये नए निर्माण के साथ जो पुरानी बिल्डिंग है उसकी भी जांच होगी, वहां पर क्या करने सीबीआरआई की टीम पहुंची है, ये हमारे दर्शकों को आप बताइए। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि अभी कुछ दिनों पहले महाकाल मंदिर के 4 नंबर गेट के बाहर जो दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई थी और उसी के बाद जो है वो भी जो दीवार है वो नई बनकर तैयार हुई थी, लेकिन उसका स्ट्रक्चर इतना कमजोर था कि हाँ, ये जरा सी बारिश से वह ढह गई और जिसके इस पूरी घटनाक्रम में 2 लोगों की मौत हो गई थी। इस पूरे मामले को लेकर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक हुई थी और बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि गुणवत्ता की जांच जो है, पुराना स्ट्रक्चर जो है और नया भी जो है उसकी जांच होना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने कलेक्टर ने और महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की ओर से एक पत्र गया था सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की को कि आप वहां से आपकी टीम भेजी है और उसके बाद में जो नया स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है उसकी गुणवत्ता और जो पुराना जो स्ट्रक्चर है उसकी मजबूती को लेकर यहाँ पे जांच होनी चाहिए। जांच की जो टीम है वो सुबह 10 बजे के लगभग से आई हुई थी और उन्होंने पूरे सारे फोटोग्राफ और उसके सैंपल वगैरह लेके वो रुड़की जाएगी। रुड़की से जो रिपोर्ट तैयार होगी उसके बाद में वो रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को सौंपी जाएगी और जो भी परिवर्तन होना रहेगा उस रिपोर्ट के आधार पर ही किया जाएगा। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए।